गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एम साइंस क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज यहाँ पर हम मैथ्स का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं और मैथ्स में जो सबसे पहली जो चीज़ आएगी वो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का अगर हिंदी में हम अर्थ देखें तो होता है अवकलज, अवकलज। अब कोई पूछेगी भाई इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, तो दैनिक जीवन में इसका उपयोग यह है कि अगर हमें कोई भी एक बड़ा किसी की कोई अंश दिया गया है, कोई बड़ा फंक्शन दिया गया है, उस बड़े फंक्शन का हमको संक्षिप्त रूप देखना है। बड़े फंक्शन का यदि संक्षिप्त रूप देखेंगे तो उसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद वो क्या हो जाएगा, इसका छोटा भाग यहाँ पर, छोटा अंश यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर हम कैसे स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव्स का। डेरिवेटिव्स में कुछ फॉर्मूले होते हैं, उसके हिसाब से उस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स के उस फॉर्मूले जो हैं वो यहाँ पर ऐसे हैं। देखो सबसे पहले तो शो कैसे कर सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स। यहाँ पर डी का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, डेरिवेटिव। और ये जो एक्स है इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके सापेक्ष यहाँ पर हम इसका क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन। यहाँ पर n क्या होती है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, n की वैल्यू 1 अपॉन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, n की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भी x की पावर n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना पड़ेगा। सेकेंड जो फॉर्मूला देखते हैं हम, वो होता है डी अपोन डी एक्स, डी अपोन डी एक्स। ये होता है e की पावर x का, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी यही होगा और इंटीग्रेशन भी यही होगा। थर्ड जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो होता है d अपॉन डी एक्स लॉग x, और इसका बेस होगा e, लॉग बेस ई एक्स। लॉग x का क्या होगा, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। सिंपल सिंपल फॉर्मूला है, सबसे पहले x की पावर n का n, x की पावर एन माइनस वन, यहाँ पर एन यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स, लॉग बेस ई का वन अपॉन एक्स। थर्ड अगर हम, फोर्थ अगर हम बात करें तो वो होगा डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो होगा इसका कोस एक्स। फिफ्थ फॉर्मूले की बात करें तो डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स माइनस का साइन एक्स। सिक्स अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट डी अपॉन डी एक्स कोट एक्स माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। एट अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका होगा सेक एक्स टेन एक्स। नाइन्थ अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक सारे फंक्शन हो गए भी, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक। अब यहाँ पर दिक्कत आएगी भी, माइनस किस में आएगा और प्लस किस में आएगा, तो जिसकी स्टार्टिंग सी ओ से हो रही है, जिसकी स्टार्टिंग सी ओ से हो रही है उन सब में माइनस आएगा। याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक है कि जिसकी स्टार्टिंग सी ओ से हो रही है उसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा भाई। जिसकी स्टार्टिंग सी ओ से हो रही है और उसका अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वहाँ पर माइनस का आएगा रिजल्ट। ठीक है, टेंथ अगर हम बात करें इनवर्स फंक्शन की, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका होगा वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। 11 का डी अपॉन डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, अब कोस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, सी ओ से हो रही है, तो सी ओ के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। 12 का डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके सारे फॉर्मूला है किसके, डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूलाज है। अभी एक बार फटाफट इनको नोट कर लो, फिर अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ट्वेल्थ क्लास में फर्स्ट चैप्टर आएगा अपना 7.1 में, फर्स्ट चैप्टर है अपना, उसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखो भाई क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पर हम।
फॉर्मूले तभी याद होंगे जब हम लगातार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, अन्यथा फॉर्मूलास याद नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो भाई, इसके अंदर अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है अपना साइन एक्स स्क्वायर। साइन एक्स स्क्वायर, इसका अपन को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स। सिंपल सी एक बात याद रखना भी, जो सबसे पहले आ रहा है ना उसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले क्या दिख रहा है अपन को, साइन दिख रहा है। सो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस होता है। तो साइन का कोस, और ये आगे वाला इसका थीटा है, तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा भाई, एंगल है वो इसका ऐसा का ऐसा रहेगा। अब क्या होगा, डी बाई डी एक्स। अब ये क्या होगा, डी बाई डी एक्स ये आगे आ जाएगा, ये इसके पास में आ जाएगा, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आ गया भाई, स्क्वायर क्या है यहाँ पर, ये दो है, ये क्या है, एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू दो है। तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन हम कैसे कर सकते हैं, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है, दो है, तो एन की वैल्यू सब में दो दो रख दो, दो दो, तो क्या आ जाएगा भाई रिजल्ट, टू एक्स की पावर वन। तो कोस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स, एक्स स्क्वायर क्या होगा भाई, टू एक्स की पावर में, मतलब कि टू एक्स। तो रिजल्ट क्या आया, टू एक्स कोस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है 7.1 में, 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। साइन क्या हो गया यहाँ पर, कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का 2x, बस सिंपल सा एकदम चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर टेन टू एक्स प्लस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 में ही, टेन सेकेंड क्वेश्चन, टेन टू एक्स प्लस थ्री। अब देखो ये वही बात है, सबसे पहले अपन को 10 दिख रहा है, तो 10 का ही सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और ये आगे वाला इसका एंगल है, तो एंगल तो ऐसा का ऐसा आएगा, 2x प्लस 3। अब नेक्स्ट ये जो डी बाई डी एक्स है, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3, सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। अब देखो भी ये तो डी बाई डी एक्स नहीं, सबसे पहले 2x का होगा, तो 2 डी बाई डी एक्स इंटू एक्स। 2 कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसलिए बाहर आएगी, अगर फंक्शन के साथ में कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर आएगी, ठीक है। x की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, तो 2 डी बाई डी एक्स मतलब 1, x की पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो 2 इंटू 1 इंटू 1, इसकी पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो रिजल्ट क्या निकल के आया, 2, मतलब कि 2x का क्या होगा यहां पर, 2, और कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा, ये बात नोट कर लेना भाई, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा, तो प्लस में 0। तो रिजल्ट क्या निकल के आया अपने पास, 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ये इसके आंसर है। फटाफट नोट कर लो भाई इसको। थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेम ही है भाई, तरीका बता देता हूं मैं, बाकी करना आपको ही है। क्वेश्चन है अपना साइन कोस एक्स स्क्वायर, साइन कोस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले साइन का होगा, और ये इसका एंगल है, तो ऐसा का ऐसा रहेगा। फिर एंगल का होगा कोस एक्स स्क्वायर, फिर कोस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा का ऐसा रहेगा, फिर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले साइन का, फिर कोस का, फिर एक्स स्क्वायर का, एंगल ऐसा का ऐसा चलेगा भाई, सबका जो एंगल है वो एंगल ऐसा का ऐसा आएगा भाई। तो थर्ड क्वेश्चन ये आपके लिए है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे, सेक एक्स माइनस वन सेक एक्स प्लस वन, सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक एक्स प्लस वन। अब यहाँ पर देखो भी, इसका एक फॉर्मूला होता है, डी अपॉन डी एक्स यू अपॉन वी का, यू अपॉन वी का एक फॉर्मूला होगा यहाँ पर, वी ऐसा का ऐसा आएगा यू का डिफरेंशिएशन, वी ऐसा का ऐसा आएगा यू का डिफरेंशिएशन, माइनस यू ऐसा का ऐसा आएगा वी का डिफरेंशिएशन अपॉन
नीचे वाले मतलब वी का स्क्वायर, ठीक है। वी ऐसा कैसा यू का डिफरेंशिएशन माइनस, अब यू ऐसा कैसा वी का डिफरेंशिएशन अपॉन वी का स्क्वायर। फिर ये क्या आ गया डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, यू इंटू वी, यू इंटू वी का क्या होगा भाई, यू ऐसा कैसा वी का डिफरेंशिएशन प्लस वी ऐसा कैसा यू का डिफरेंशिएशन। ये दोनों फॉर्मूला है, नोट कर लेना भाई इनको। अब देखो भाई, या तो हम इसका sec x माइनस वन sec x प्लस वन का डायरेक्ट ये लगा देंगे, या फिर हम इनको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे कर सकते हैं भाई, sec क्या होता है वन अपॉन cos x, cos की वैल्यू रख दी मैंने वन अपॉन cos x माइनस का वन अपॉन, यहाँ पर भी वैल्यू रख देंगे वन अपॉन cos x प्लस वन, इसको सोल्व कर लेंगे भाई। इसका एलसीएम क्या आएगा cos x, अपॉन में वन है cos x, मैंने इसका एलसीएम ले लिया, अपनी मेन लाइन हो गई ये वाली, तो cos x का एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या आएगा भाई वन माइनस cos x, ठीक है। नीचे से भी हम इसका एलसीएम ले लेंगे cos x, तो ये क्या होगा भाई cos x प्लस वन, सॉरी वन प्लस cos x, cos x से cos x कैंसिल आउट। नेक्स्ट स्टेप देखो भाई क्या होगी इसकी, नेक्स्ट जो स्टेप है वो आएगी अपने पास वन माइनस कोस एक्स, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स, ठीक है। अब ये भाई इससे ज़्यादा सोल्व नहीं हो सकता, होता तो है इसके अंदर एक फॉर्मूला लगता है, ठीक है, लेकिन उससे आंसर नहीं मिलेंगे। तो देखो भाई इसके हम क्या करेंगे, यू अपॉन वी का फॉर्मूला लगा देंगे डी अपॉन डी एक्स। इसके बाद में इसका एक और तरीका होता है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो भाई नीचे वाला ऐसा का ऐसा वी ऐसा का ऐसा वन प्लस कोस एक्स ऐसा का ऐसा आएगा भाई, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, वन माइनस कोस एक्स का, वन का तो हो गया जीरो, माइनस कोस एक्स का पहले लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, ऊपर वाले का वन माइनस कोस एक्स, फिर माइनस, अब ये ऐसा का ऐसा आएगा वन माइनस कोस एक्स ऐसा का ऐसा, फिर डी बाई डी एक्स वन प्लस कोस एक्स अपॉन, नीचे क्या आएगा इसका स्क्वायर, तो वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो भी वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स, यहां पर वन का तो क्या हो गया अभी यहां पर जीरो, माइनस माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन स्टार्टिंग किससे हो रही है भाई, सी ओ से हो रही है, तो माइनस का आएगा माइनस माइनस, यहाँ पर हो गया प्लस, कोस का क्या होगा साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, वो माइनस हो रही है माइनस मिल करके प्लस हो गई, बीच में साइन है माइनस का। अब वन माइनस कोस एक्स ऐसा का ऐसा, यहाँ पर क्या होगा ये वन का तो कॉन्स्टेंट वैल्यू जीरो हो गई, प्लस कोस एक्स का क्या होगा भाई माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी भाई, वन प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स, वन प्लस कोस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस वन माइनस कोस एक्स, और ये माइनस हो गया मेरे पास प्लस, इंटू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसको भी फटाफट नोट करूं, नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम इसकी। अभी बस इसमें फॉर्मूला लगाया है यू अपॉन वी से, तो क्या होगा भाई ये नीचे वाला तो ऐसा का ऐसा रहेगा, वी तो ऐसा का ऐसा, यू का डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने, फिर भी इसमें साइन आता है माइनस का तो माइनस लगा दिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाला मतलब कि यू तो ऐसा का ऐसा रख दिया और वी का डिफरेंशिएशन यहाँ पर मैंने कर दिया। नीचे क्या आएगा भाई, वी का स्क्वायर आएगा, तो मैंने वी का स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का स्क्वायर हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, हम वन प्लस कोस एक्स ऐसा का ऐसा रख दिया, वन माइनस कोस एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर भी इसमें माइनस आ गया, वन माइनस कोस एक्स एज इट इज आ गया, और वन प्लस कोस एक्स का मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अभी, अब ये जीरो है कोई काम का नहीं है, मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पर भी जीरो है मैंने इसको हटा दिया, ये माइनस और ये माइनस मिल करके यहाँ पर प्लस हो गया, बस और कुछ नहीं किया है मैंने यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप देखो भी इसके,
जितना इजी हो सकता है उतना इजी करेंगे हम इस क्वेश्चन को। अब देखो भाई, इन दोनों में साइन एक्स मेरे को कॉमन दिख रहा है, साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स यहाँ पर भी है, मैंने यहाँ पर से साइन एक्स कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा भाई, वन प्लस कोस एक्स, वन प्लस कोस एक्स, साइन बीच में प्लस का है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, वन माइनस कोस एक्स, तो वन माइनस कोस एक्स अपॉन में वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो भी क्या बनेगा, वन सॉरी साइन एक्स इंटू वन प्लस वन टू हो गया, कोस एक्स है कोस एक्स कैंसिल आउट हो गया, अपॉन में वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो रिजल्ट क्या आया, टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये अपने पास रिजल्ट आया। ये अपने पास इसका रिजल्ट है, टू साइन एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। एकदम इजी तरीका है ये इस क्वेश्चन को करने का, इससे इजी कोई तरीका नहीं हो सकता। अभी दूसरा जो तरीका बता रहा था मैं, वो तरीका क्या है वो देखो भाई, एलसीएम वगैरह लेने के बाद मेरे पास बचेगा वन माइनस कोस एक्स अपॉन वन प्लस कोस एक्स। अब एक बात ध्यान रखना भी, कोस एक्स के तीन से चार फॉर्मूले होते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज हमको याद करने ही पड़ेंगे कोई भी हालत में, अपने पास वो डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगे और इंटीग्रेशन में भी काम आएंगे। तो कोस एक्स के लिए वन को हटाने के लिए स्पेशली फॉर्मूले होते हैं, तो देखो कौन कौन से होते हैं भाई, कोस टू एक्स के फॉर्मूले होते हैं कौन से, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक होगा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस का वन, ये दो वन को हटाने के लिए, टू रिमूव वन वी शुड अप्लाई टू फॉर्मूलाज, एक तो होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स और एक होगा टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन। ओके, नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तीन फॉर्मूले, एक होगा वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये चार फॉर्मूले होते हैं सिर्फ कोस टू एक्स के, सिर्फ कोस टू एक्स के सिर्फ ये चार फॉर्मूले होते हैं, एक तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, एक टू को स्क्वायर एक्स माइनस वन, एक को स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये चार फॉर्मूलाज होते हैं जिनमें वन को हटाने के लिए ये दोनों फॉर्मूले हम काम में लेते हैं। तो देखो भाई, वन को रिमूव हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं, वन माइनस कोस एक्स आ रहा है, अब देखो भाई यहाँ पर तो कोस एक्स है, फॉर्मूला होता है अपने पास टू एक्स का, ये है अपने पास सिर्फ एक्स और फॉर्मूले होते हैं हमारे पास टू एक्स के, अपन को क्या करना है भाई, एक्स का फॉर्मूला मतलब टू से डिवाइड कर दो एंगल को, टू से डिवाइड कर रहा हूँ एंगल को, तो टू ये भी टू ये भी टू ये भी टू ये भी टू और ये भी टू, सारे फॉर्मूले किस में आ जाएंगे भाई, एक्स बाई टू के फॉर्म में आ जाएंगे, अगर ये x में है तो ये सारे फॉर्मूले आ जाएंगे x बाई टू के फॉर्म में। तो देखो भाई अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर 1 माइनस, अब इस 1 को मेरे को हटाना है, ये 1 क्या है पॉजिटिव है, मेरे को नेगेटिव लेके आना है, नेगेटिव कैसे आएगा भाई देखो, लेकिन ये कोस क्या है नेगेटिव में है, तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव 1, देखो पॉजिटिव 1 इसमें आ रहा है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस, अब यहाँ पर मेरे को नेगेटिव वन चाहिए, नेगेटिव वन इसमें आ रहा है, तो लगा दो फॉर्मूला टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे अभी, वन माइनस ये माइनस का वन, ये माइनस प्लस का टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन, इस वन से ये वन कैंसिल आउट, ये वन से ये वन कैंसिल आउट, क्या बचेगा अभी टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट, क्या बच गया अभी मेरे पास साइन अपॉन कोस, क्या हो गया ये टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को डी अपॉन डी एक्स, कैसे होगा अभी, सबसे पहले पावर का होगा, सबसे पहले पावर का, तो टेन स्क्वायर एक्स बाई टू है तो टू आगे आ जाएगा और टेन एक्स बाई टू की पावर टू माइनस वन, वही एक्स की पावर एन से कर रहे हैं यहाँ पर हम, इस पूरे को मैंने एक्स मान लिया, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू जो है इस पूरे को मैंने क्या मान लिया एक्स मान लिया, तो टू तो यहाँ पर आ जाए आगे आ जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है ना, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है,
एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो एन तो आगे आ गया, एन माइनस वन तो टू माइनस वन, फिर डी बाई डी एक्स। अब ये जो बच गया इसका करेंगे तो टेन एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा भाई टू टेन एक्स बाई टू, और टेन का होता है मेरे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर करेंगे हम डी बाई डी एक्स एक्स बाई टू का, एक्स बाई टू का क्या होगा अभी, एक्स बाई टू का मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, तो देखो भाई क्या होगा, वो टू टेन एक्स बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वन बाई टू क्या है भाई, कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर निकलेगी डी अपॉन डी एक्स, अंदर रह जाएगा सिर्फ एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो टू टेन एक्स बाई टू मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मल्टीप्लाई वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई वन, टू से टू कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या रहा मेरे पास, टेन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये भी इसके आंसर। अगर हमको एक्स बाई टू के फॉर्म में कोई आंसर चाहिए तो इसके करेक्ट आंसर ये हैं। इसको जब हम सोल्व करेंगे साइन अपन कोस में लिख करके तो अपना पहले वाला आंसर मिल जाएगा अपन को। तो एक तरीका ये है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और एक तरीका वो पहले वाला बताया हुआ है। नेक्स्ट देखो भाई फिफ्थ का क्वेश्चन, रोज की हम एक एक एक्सरसाइज लेके चलेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भी उससे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स, रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स प्लस रूट वन माइनस एक्स। अब हमने एक चीज़ पढ़ी है कि जब भी भाई यहाँ पर अपॉन में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट आ जाए, रूट की कोई भी वैल्यू आ जाए, तो हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइजेशन, हम इसका उसका कॉन्जुगेट लेंगे, उस कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करेंगे भी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, और दोनों तरफ वो मल्टीप्लाई हो जाएगी ऊपर भी और नीचे भी। तो करो भी मल्टीप्लाई, कॉन्जुगेट लेने पर इसका क्या होगा भी, वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स अपॉन रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स। ये दोनों सेम है, सेम का तो क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, अगर ये दोनों सेम वैल्यू हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर ये अलग अलग है, सॉरी ये भी सेम है लेकिन बीच में प्लस और माइनस का साइन है, बीच में प्लस और माइनस का साइन है और दोनों सेम वैल्यू है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। देखो भी कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो ये सोल्व करेंगे, तो ये क्या होगा रूट वन प्लस एक्स माइनस रूट वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये तो यहाँ पर देखो, अगर मैं वन प्लस एक्स को ए मान रहा हूँ और वन माइनस एक्स को मैं बी मान रहा हूँ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए तो किसको माना है मैंने रूट वन प्लस एक्स को, तो ए स्क्वायर का मतलब रूट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या होगा बी, वो वन प्लस एक्स स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, फिर क्या बच गया अभी बी स्क्वायर, बी का मतलब क्या है वन माइनस एक्स, साइन बीच में आएगा माइनस का, तो माइनस वन माइनस एक्स। मैंने क्या किया है रूट वन प्लस एक्स को ए पुट किया है और रूट माइनस एक्स को बी पुट किया है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट वन प्लस एक्स का स्क्वायर, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ यहाँ पर तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास वन प्लस एक्स, बी स्क्वायर में सेम ही प्रोसीजर लगाएंगे हम, तो क्या होगा वन माइनस एक्स हो जाएगा। देखो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, इसका होल स्क्वायर खोल दो भी, ए स्क्वायर मतलब कि वन प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब वन माइनस एक्स माइनस का टू ए बी, रूट वन प्लस एक्स और रूट वन माइनस एक्स अपोन, अपोन में क्या होगा भी वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस का एक्स, वन से वन कैंसिल आउट हो गया अभी, यहाँ पर क्या कैंसिल आउट हो रहा है प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, वन और वन टू हो गया, क्या टू, ये माइनस का टू, रूट
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, वही ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा अपने पास, यहां से मैंने टू कॉमन लेना है, टू तो क्या बचेगा अभी यहां पर, तो टू कॉमन आ गया, तो वन बचेगा। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, मतलब इस पूरी को मैं क्या कर रहा हूँ, टू से डिवाइड कर रहा हूँ, तो टू अपॉन टू करूंगा तो क्या आएगा अभी, वन माइनस टू अपॉन टू वन हो गया, और माइनस का क्या बच गया अभी, वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच गया अपॉन में टू एक्स, टू से टू कैंसिल आउट, रिजल्ट क्या निकल के आया, वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, उसका मेरे को डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर करना है। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो भी ये यहाँ पर क्या बच गया, यू अपॉन वी का फॉर्मूला। यू अपॉन वी के लिए क्या करते हैं भाई, वी तो एज इट इज रखते हैं, मतलब कि एक्स तो एज इट इज आएगा, फिर यू का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा भाई, अगर रूट का हमको डिफरेंशिएशन करना है तो वो डायरेक्ट कैसे याद रखेंगे हम, देखना भी। फिर बीच में माइनस आएगा तो माइनस का साइन लगा दिया, अब क्या होगा भाई, अब u एज इट इज आएगा, u मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो एज इट इज आएगी, वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर d बाई डी एक्स नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला क्या अभी x है, x का डिफरेंशिएशन अपॉन इसका स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अब देखो x तो मेरे पास एज इट इज ऐसा का ऐसा पड़ा है, अब देखो वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, बीच में साइन किसका है, माइनस का है, तो माइनस एज इट इज आ गया। अब देखो भाई एक चीज़ याद रखना कि डी बाई डी एक्स रूट एफ एक्स यदि हम हमारे पास आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन रूट का हमेशा वन अपॉन टू रूट होगा, वन अपॉन टू रूट, फंक्शन ऐसा का ऐसा आएगा और उसके बाद इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, ये चीज़ याद कर लेना भाई, रूट एफ एक्स का वन अपॉन टू रूट होता है, रूट का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू रूट होता है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो एज इट इज आएगा रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर रूट के अंदर क्या है अभी, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या बताया मैंने, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो एफ एक्स यहाँ पर क्या है अपने पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा अभी, वन का तो जीरो माइनस माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये लो भाई सिंपल सा कर दिया अपन ने, क्या किया है मैंने, वन का तो हो गया मेरे पास जीरो, रूट का क्या होगा भाई, वन अपॉन टू रूट एफ एक्स, तो वन अपॉन टू रूट एफ एक्स, एफ एक्स का करना है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन का तो हो गया मेरे पास जीरो, एक्स स्क्वायर का हो गया टू एक्स, ये अपन ने कर दिया भाई वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस, अब ये ऐसा कैसा एज इट इज रखना है, वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है अपॉन एक्स स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है, कोई मैंने हार्ड काम नहीं किया है यहाँ पर, देख लो भी वापस देख लो, वन का तो मैंने कर दिया जीरो, माइनस है माइनस एज इट इज रख दिया, रूट का वन अपॉन टू रूट होता है, एफ वन माइनस एक्स स्क्वायर का, वन का तो जीरो हो गया, टू एक्स का सॉरी एक्स स्क्वायर का टू एक्स आ गया, आगे वाली वैल्यू मैंने एज इट इज रखी है। नेक्स्ट देखो भी इसमें स्टेप क्या आएगी, नेक्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो x ऐसा कैसा आ गया, फिर क्या अभी जीरो, जीरो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो क्या आएगा भाई ये माइनस का, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया ना, ये माइनस और ये माइनस, जीरो चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो जीरो तो मैंने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, इस टू से ये टू कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ पर लिख दूँ टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, मैंने एक बार टू कैंसिल आउट नहीं किया है, ठीक है, सॉरी क्या ये टू इंटू वन माइनस, एक मिनट, टू इंटू एक्स अपॉन में टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने एज इट इज रख दी, फिर माइनस वन माइनस वन, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो वन तो हो गया मेरे पास माइनस का, ये माइनस का पहले से था तो माइनस और माइनस प्लस का हो गया अपॉन में एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल आउट हो गया भाई।
इस एक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का वन प्लस का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मेरे को क्या लेना है, एलसीएम लेना है, तो ले भी एलसीएम वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। यहाँ पर तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा भाई, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में साइन है प्लस का तो प्लस ऐसा आ गया भाई। अब ये वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट का है और ये भी रूट का है तो दोनों रूट से रूट कैंसिल आउट, वन माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास बच गया अपोन में एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। वापस देख लो भी, इसका एलसीएम लिया है मैंने तो एलसीएम लेने के बाद क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा और ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन से मल्टीप्लाई होगा तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर इसका देखो भी कैसे किया है मैंने, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करना है तो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया भैया। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे अपन, हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे भैया, एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पर तो क्या बचेगा भाई, अपने पास बचेगा अब वन माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके फाइनल आंसर है भाई, ये फाइनल रिजल्ट है अपना। क्वेश्चन लेंथी था लेकिन इजी है, बस कुछ नहीं करना है, यू अपॉन वी का फॉर्मूला अप्लाई करना है और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्स डिग्री में है भाई, एक्स डिग्री की बात हो रही है तो एक्स डिग्री का यहाँ पर मतलब क्या होता है। देखो भाई अगर हम बात करें वन डिग्री की, पाई अपॉन 180, वन डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई अपॉन 180, तो x डिग्री का मतलब जैसे देखो 2 डिग्री का मतलब क्या होगा, 2 पाई अपॉन 180, तो x डिग्री का मतलब क्या हो गया, मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू आती है वो इससे मल्टीप्लाई होती है तो x डिग्री आ गया तो अब क्या होगा, x पाई बाई 180, बस यहाँ पर इस वैल्यू का हमको पता होना चाहिए, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 तो x डिग्री का मतलब x पाई बाई 180, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो भाई क्वेश्चन है अपना साइन x डिग्री, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स डिग्री का डिफरेंशिएशन अपन को निकालना है, साइन एक्स डिग्री। सबसे पहले तो ये देखो भाई डिग्री में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, हमेशा पाई रेडियन का ही डिफरेंशिएशन होता है। तो देखो भाई, तो अब यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स डिग्री का मतलब एक्स पाई बाई 180, एक्स पाई बाई 180 इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। साइन का क्या होगा, कोस और एक्स पाई बाई 180 इसका एंगल है तो ये एज इट इज रहेगा, साइन का कोस हो गया और ये इसका एंगल है तो एज इट इज आ गया। अब डी बाई डी एक्स एक्स पाई बाई 180 का, एक्स पाई बाई 180 का के लिए भी देखो पाई बाई 180 क्या है यहाँ पर, इसका कॉन्स्टेंट वैल्यू है तो पाई बाई 180 तो मेरे पास बाहर आ गया, पाई बाई 180 बाहर आ गया, कोस एक्स पाई बाई 180 मेरे पास पहले से था, एक्स का मेरे पास 1 हो गया तो रिजल्ट आया मेरे पास पाई बाई 180 और कोस, इसकी वैल्यू क्या है अभी, एक्स पाई बाई 180 की वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स डिग्री है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स डिग्री, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। तो मैंने कुछ नहीं किया अभी, एक्स डिग्री की बस वैल्यू रखी है यहाँ पर, यहाँ पर लिख देना एक्स डिग्री इक्वल टू पाई बाई सॉरी एक्स पाई बाई 180 बस। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं वो सारे समझ में आए होंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच गए वो हम नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।